अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने जा रहे हैं टॉपिक 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम का पार्ट 2। ये टॉपिक नंबर 4 है चैप्टर 1 का आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, और हम क्लास 9 पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में, इसी टॉपिक 4 के पार्ट 1 में हमने डेमोक्रेसी और इस्लामिक डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे। पहला हमारे पास जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वो है हमारे पास जस्टिस। जस्टिस यानी इंसाफ। ठीक है, अब जस्टिस की लिटरल मीनिंग क्या है, यानी सही, यानी लफ्जी माना क्या है? इसकी लफ्जी माना है टू कीप राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस। सही चीज़ों को सही जगह पे रखने को हम जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, जस्टिस जो है वो फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लॉ है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो कानून दिया गया है, हमें जो गाइडेंस दी गई है, उसकी जो बुनियाद है वो हमारे पास इंसाफ है। ठीक है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, द होली कुरान एम्फसाइज अपॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। इट सेज होली कुरान में हमें इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट पे, इंसाफ के कायम होने पर जोर दिया गया है, एम्फसाइज किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ हु यू बिलीव मेंटेन जस्टिस, ओ ए ईमान वालों जिन्होंने ईमान लाया है, इंसाफ को कायम करो। ऑब्जर्व विटनेस फॉर अल्लाह सेक, गवाही दो अल्लाह की रज़ा के लिए। दो इट में बी अगेंस्ट योर सेल्फ, और हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ साबित हो। बी ही रिच और पुअर, और जिसके लिए तुम दे रहे हो ये महसूस ना करो कि वो अमीर है या गरीब है। एंड लेट नॉट हेटर्ड ऑफ पीपल इन साइड यू नॉट टू एक्ट इक्विटेबली, और लोगों की जो नफरत है वो तुम्हें इंसाइट ना कर सके, वो तुम्हें फोर्स ना कर सके कि तुम ना इंसाफी से एक्ट करो। ये हमारे पास कुरान शरीफ से हमने हवाला ले लिया कि कुरान शरीफ में हमें जस्टिस के बारे में क्या बताया गया है। द राइट्स ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम, इंसाफ का जो सिस्टम है उसी में लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया है। नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी कम्प्लीट विदाउट जस्टिस, ज़िंदगी का कोई भी शोभा नहीं है जो जस्टिस के बगैर मतलब पूरा हो, जस्टिस यानी इंसाफ के बगैर पूरा हो। ठीक है, यानी ज़िंदगी के हर शोबे में जस्टिस होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जस्टिस मेक्स सोसाइटी पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस, इंसाफ जो होता है वो किसी भी माशरे को पुरअमन बनाता है और खुशहाल बनाता है। यूनिटी, लव, सिंसेरिटी एंड पीस प्रिवेल्स टू जस्टिस, ये इंसाफ ही है जिसकी वजह से माशरे में अखोवत, मोहब्बत, सिंसेरिटी यानी सच्चाई और अमन जो होता है वो प्रिवेल करता है, यानी वो हमें नज़र आता है, वो मौजूद होता है। ठीक है, जस्टिस जो होती है वो किसी भी सोसाइटी या किसी भी इंडिविजुअल की करेक्टर फॉर्मेशन करती है, यानी करेक्टर में बैलेंस लाती है। ठीक है, करेक्टर फॉर्मेशन अ सिंगल इंडिविजुअल इन सोसाइटी, जस्टिस प्लेज अ वाइटल रोल इन द करेक्टर फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। किसी भी माशरे का करेक्टर उसमें क्या होगा, उसमें इंसाफ बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी आदमी का करेक्टर उसमें बैलेंस होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी बराबरी। ठीक है, उसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हम समझ लेते हैं। और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड ऑन द ईव ऑफ हज्जतुल विदा, लास्ट पिलग्रिमेज, मतलब हज्जतुल विदा, विदा यानी आखिरी हज जो था उसके मौके पर, उसकी ईव पर, यानी मौके पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑल ह्यूमन बींग्स आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ हज़रत आदम, तमाम जो इंसान ज़ात है वह हज़रत आदम की औलाद हैं। नो अरब हैज़ एनी प्रेसिडेंस ओवर नॉन अरब एंड वाइस वर्सा, किसी अरब को किसी नॉन अरब यानी गैर अरब पर किसी किस्म की बरतरी हासिल नहीं है, और इसी तरह किसी नॉन अरब को किसी अरब पर बरतरी हासिल नहीं है। सिमिलरली द वाइट हैव नो प्रेसिडेंस ओवर द ब्लैक एंड वाइस वर्सा, इसी तरह से गोरे को किसी काले पर बरतरी हासिल नहीं है, और इसी तरह किसी काले को किसी गोरे पर बरतरी हासिल नहीं है। प्रेसिडेंस इन इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ रिस्ट्रेंट, इस्लाम में जो प्रेसिडेंस है बरतरी है वो तकवा के बुनियाद पर है। जो ज़्यादा मुत्तकी है, जो ज़्यादा खुदा से डरता है, जो ज़्यादा परहेजगार है, जो गुनाहों से बचता है, वो ही ज़्यादा प्रेसिडेंट है, यानी वो ही बहुत ज़्यादा बरतर है। ठीक है, अब अगले पॉइंट हम समझते हैं। इस्लाम इज़ द टॉर्च बियरर ऑफ इक्वेलिटी, इस्लाम जो है वो बराबरी का टॉर्च बियरर है, यानी उसने मशाल उठाई हुई है। सबसे पहले जो बराबरी की बात की वो इस्लाम ने बात की। इट रिजेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट, कल्चर एंड वेल्थ और पॉवर्टी।
जो भी फ़र्क है, तमाम किस्म के फ़र्क जो हम रेस यानी नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, सकाफ़त की बुनियाद पर या अमीरी और गरीबी बुनियाद पर करते हैं, इस्लाम तमाम को रद्द करता है, रिजेक्ट करता है। वो कहता है सेल्फ़ रिस्ट्रेंट, यानी जो ज़्यादा मुत्तकी है वो ज़्यादा बरतर है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। अब इक्वलिटी का हमें ये बताया गया कि कानून के सामने तमाम इंसान बराबर हैं, खा मुसलमान मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। इस्लामिक शरीयत कोड ऑफ इस्लामिक लॉज प्रोवाइड्स लीगल जस्टिस। इस्लामिक शरीयत है यानी इस्लामिक कानून का जो मजमुआ है वो ही हमें कानूनी इंसाफ फराहम करता है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टेब्लिश्ड सच अ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम दैट रिमूव्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड पुअर। हमारे प्यारी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माशी और मतलब समाजी सिस्टम कायम किया जिसने अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टिंक्शन थी, जो फ़र्क था, उसको ख़त्म कर लिया। द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू वॉज एबॉलिश्ड। दौलत का जमा होना, जो कुछ लोगों के हाथों में दौलत आ जाती थी सारी, उसके सिस्टम को एबॉलिश किया गया। किस तरह एबॉलिश किया गया? थ्रू इस्टेब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ ज़कात स्पेसिफिक चैरिटी, यानी ज़कात की वजह के ज़कात को इस्टेब्लिश किया गया कि अमीरों को ज़कात देनी है जिससे गरीबों की मदद हो सके और वो मतलब माशरे में उठ सके। जो वो गरीब हैं तो वो गरीब ना रहें, थोड़ा उठें, ठीक है। तो इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को ज़कात के ज़रिए, यानी स्पेसिफिक चैरिटी, खास किस्म की चैरिटी होती है, उसके ज़रिए से ख़त्म किया गया, ठीक है। ये हमारे पास था सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हमारे पास था इक्वेलिटी। अब तीसरा हमारे पास जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का इन इस्लाम, वो है हमारे पास फ्रेटर्निटी। पहली पॉइंट हमारे पास फ्रेटर्निटी की माना ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, अखुवत, ठीक है। अब फ्रेटर्निटी के बारे में यानी ब्रदरहुड के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं ऑल बिलीवर्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, तमाम जो ईमान वाले हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगले पॉइंट में समझते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड दैट अ मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अनदर मुस्लिम, ही डज नॉट बीट्रे हिम नॉर बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर हिज ब्रदर मुस्लिम। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना तो उसे धोखा देता है ना वो उसके लिए परेशानी का बायस बनता है अपने मुस्लिम भाई के लिए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द मुस्लिम्स टू एक्सटेंड लव फॉर ईच अदर बाय गिविंग गिफ्ट्स। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि वो एक दूसरे को तोहफ़ा दें ताकि उनमें मोहब्बत पैदा हो, ठीक है। अब हिस्ट्री में यानी तारीख में सबसे ज़्यादा अख़ुवत, सबसे ज़्यादा भाईचारा कब देखा गया, वो अब इस पॉइंट पे समझेंगे हम। द एग्जेम्पलरी मिसाली द एग्जेम्पलरी एक्सप्रेशन ऑफ ब्रदरहुड वॉज शोन एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम मुस्लिम्स फ्रॉम मक्का टू मदीना। द पीपल ऑफ मदीना नॉट ओनली वेलकम्ड देम वार्मली बट ऑल्सो मेड देम पार्टनर इन देयर बिजनेस एंड एसेट्स। भाईचारे की जो मिसाली एक्सप्रेशन था वो हिजरत के मौके पर देखा गया, जब मुहाजिरों ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। मदीने के जो लोग थे, मदीने के जो अंसार थे, उन्होंने ना सिर्फ उनको वेलकम किया, खुशामदीद कहा, बल्कि उन्होंने उनको यानी मुहाजिरीन को अंसारों ने अपने बिजनेस यानी अपने कारोबार और अपने एसेट्स और अपनी जायदाद में हिस्से दे दिए। तो ये मतलब एग्जाम्पलरी एक्सप्रेशन नज़र आया हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 1400 ईयर्स अगो। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामी माशरा जो होता है उसमें भाईचारे का जो उसूल है उसको वो बहुत ज़रूरी है। एज ब्रदर्स दे शेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड देयर हैप्पीनेस टू। द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड प्रोमोट अफेक्शन, म्यूचुअल कॉपरेशन, सेल्फ सर्विस एंड सेक्रीफाइस। भाई भाई होने की वजह से वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे की खुशियों को भी शेयर करते हैं। भाईचारे की जो ऐसा साथ है, इसकी वजह से अफेक्शन माशरे में पैदा होती है यानी मोहब्बत पैदा होती है, म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी हमांगी पैदा होती है, सेल्फलेस सर्विस पैदा होती है और कुर्बानी पैदा होती है। इन दिस वे द सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड अ प्लेस फॉर कम्फर्ट फॉर ऑल। इसी वजह से जो माशरा है वो पुरअमन बन जाता है और सब के लिए कम्फर्ट की जगह यानी आराम की जगह बन जाता है। ये हमारे पास था थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, जो था हमारे पास फ्रेटर्निटी। अब चौथा और आखिरी प्रिंसिपल है हमारे पास इस्लामिक डेमोक्रेसी का, वो हमारे पास है टॉलरेंस। टॉलरेंस पहली पॉइंट एक ग्रेट वर्चू है, वर्चू यानी गुड क्वालिटी, अजीम क्वालिटी है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रीच्ड टॉलरेंस थ्रू हिज वर्ड्स एंड डीड्स। टॉलरेंस की माना है बर्दाश्त, सब्र,
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त को फ़रोग दिया, उसकी तबलीग की, अपने अल्फाज से भी यानी कॉल भी किए, फरमान भी जारी किए और अपने आमाल से भी करके दिखाया, अपनी सुन्नत से भी करके दिखाया कि माशरे में बर्दाश्त के साथ चलना है। टॉलरेंस इज़ अ सोर्स ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, इट सेव्स पीपल फ्राम हार्डशिप्स एंड प्रोमोट्स लव फॉर अदर्स। द इस्लामिक सोसाइटी ऑनर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ड्यू राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स। बर्दाश्त जो है, सब्र जो है, इसकी वजह से हम दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं, झगड़े से बचते हैं। ये जो टॉलरेंस जो है, जो लोगों को बचाता है हार्डशिप से, परेशानियों से, और दूसरों के लिए लव को प्रमोट करता है, मोहब्बत को प्रमोट करता है। इस्लामी माशरा जो होता है वो नॉन मुस्लिम्स की जो हुकूक हैं उनकी इज्जत भी करता है और उनको प्रोटेक्शन भी फराहम करता है। किसकी वजह से? क्योंकि इस्लामी माशरे में टॉलरेंस है, मुस्लिम्स में टॉलरेंस है, मुस्लिम्स में टॉलरेंस होनी चाहिए। द बेस्ट वे टू डेवलप सोशल रिलेशंस इज़ टू स्प्रेड टॉलरेंस। सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि हम समाज में या माशरे में रवाबित बढ़ाएं, तो इसके लिए हमें अपने आप में बर्दाश्त पैदा करनी होगी। इट डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड, पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी। ये भाईचारे का, अमन का और स्टेबिलिटी का मतलब उसको डेवलप करने में मदद देता है सोसाइटी में। ये हमारे पास था आखिरी प्रिंसिपल, टॉलरेंस। ठीक है, अब आज हमने टॉपिक कवर किया है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ये टॉपिक नंबर 4 है ऑफ आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़।